हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये सुंदर सा मधुमक्खी वाला बी वाला डोरमेट के डिज़ाइन आज आपको दिखाने जा रही हूँ। इससे आप टेबल मैट भी बना सकते हो, थालपोश भी बना सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और डोरमेट भी है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ आपका ये वाला जैसे ये वाला पोर्शन ये सिकुड़न टाइप का आ जा रहा है, जैसे ये ऊपर का ज़्यादा चौड़ा हो रहा है, नीचे का संकरा हो रहा है, तो उससे सिकुड़न आता ही है फ्रेंड्स। तो आप कैसे करिएगा, यहाँ से जो नीचे में नीचे को भी सेम इसी टाइप का बुनते जाइएगा, इसी टाइप को बुनते जाइएगा, मगर इससे थोड़ा सा कम चौड़ाई में रहे। जैसे हम लोग दो नीचे में छोड़ते हैं, फिर दो छोड़ते हैं, फिर दो छोड़ते हैं, जोड़ छोड़ छोड़ के ऊपर को ऊपर को पूरा बुनते जाते हैं, नीचे में छोड़ छोड़ के बुनते जाते हैं, उसी तरह देखिए फ्रेंड्स, ये वाला ये जो गोलाई यहाँ से बनेगा, ये वाला थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाइएगा, तब उससे सिकुड़न नहीं आएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने 31 फंदों में बनाया, आप इसको 41 फंदों में बना सकते हो, 51 फंदों में बना सकते हो, इससे छोटा साइज़ नहीं बनेगा, ये इसी साइज़ में बनेगा, 31 साइज़ में ही। और ये मधुमक्खी का साइज़ सेम ही रहेगा फ्रेंड्स, बस यहाँ से बढ़ेगा फंदा और यहाँ से बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मधुमक्खी का ये डिज़ाइन बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जितने फंदों का आप बनाना चाहो उतने फंदे आप ले लीजिएगा। मैंने 31 फंदे बनाए हैं, तो 31 फंदे मैंने ले लिया। फिर उसके बाद एक रो एक लाइन इसी कलर से मैंने बना लिया है, ये रेड कलर से। आप जो भी कलर ये वाला बनाना चाहो उसे आप बना सकते हो। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, 15 फंदे हम लोग रेड कलर से बुनेंगे, 15 फंदे रेड कलर से बुन लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बुन लेती हूँ इसको, 15 फंदे फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने 15 फंदे रेड कलर के बुन लिए हैं। अब यहाँ से दो फंदे मैं बैगनी कलर के बुनूंगी, 1 और 2। ये देखिए, दो फंदे बैगनी कलर के, बाकी को सभी को रेड कलर से बुन लेते हैं। बुन लेती हूँ नीचे तक फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह हम लोग दो दो छह फंदे नीचे में छोड़ते हैं, जैसे सकरा हो इसके लिए। तो एक दो फंदे हम लोग ने छोड़ दिया है, बैक कर लेते हैं, राइट साइड इसको टर्न करेंगे। यहाँ सिकुड़न आ रहा है, तो फ्रेंड्स आप जैसे ऊपर का ज़्यादा चौड़ा हो जाता है और नीचे का सकरा हो जाता है, तो उससे सिकुड़न आता ही है। तो ये नीचे का भी थोड़ा सा और ज़्यादा चौड़ा कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन तो यहाँ बुन बुन के ही चौड़ा होता है, ये वाला भी तो गोलाई ज़्यादा आएगा। तो गोलाई को आप इसी रंग से जो बना लोगे गोल, उसी में सिल लीजिएगा, फिर बन जाएगा। देखिए राइट साइड है, देखिए राइट साइड जो जैसा है उसको उसी कलर से ही बुनेंगे। बुन लेते हैं जो जैसा है उसको उसी कलर से लास्ट तक, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड लाइन है, आप सेकंड लाइन में फिर से आ गए, राउंड साइड आ गए। देखिए सेकंड लाइन में आने के बाद 14 फंदे हम लोग रेड कलर से बुन लेंगे, 2, 3, 14 फंदे बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने रेड कलर के पूरे 14 के 14 फंदे बुन लिए हैं। यहाँ से इसको अंगूठे के साइड लाते हैं जिससे यहाँ गैप ना पड़े। अब ये 5 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। देखिए 5 फंदे ये मैंने बैगनी कलर से बुन लिए हैं। अब नीचे को रेड कलर से बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको बुनने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, ये रेड कलर के जितने फंदे थे मैंने बुन लिया है। यहाँ 4 फंदे, पहले के 2 और अभी के 2 छूटे हैं, 4 फंदे छूट गए हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 5 फंदे नहीं, यहाँ 4 फंदे बुनने हैं फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4 फंदे, सॉरी भूल गई थी। राइट साइड टर्न करेंगे, देखिए राइट साइड को जो जैसा उसको उसी कलर से लास्ट तक यहाँ तक बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तीसरा लाइन आ गया, 2 लाइन कम्प्लीट हो चुका है। तीसरा लाइन में 13 फंदे हम लोग रेड कलर से बुनेंगे, तो बुन लेते हैं 13 फंदे, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये 13 फंदे मैंने यहाँ बुन लिए हैं। यहाँ 5 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये
लास्ट वाला पांच। देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे बुन लिए मैंने रेड कलर से, इतने फंदे उतना सभी को बुन लेती हूँ। अब की बार छह फंदा नीचे में छूटेगा, चार फंदे छूट गए हैं, बुन लेते हैं फिर दिखा। देखिए फ्रेंड्स छह फंदे छूट गए, बाकियों को मैंने बुन लिया है। राइट साइड टर्न करेंगे, अब राइट साइड को जो जैसा है उसको उसी कलर से बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स चौथा लाइन आ गया, अब चौथा लाइन में तेरह फंदे बुन लेते हैं रेड कलर से और पांच फंदे। चौथा लाइन में तेरह फंदे हम लोग रेड कलर से बुनेंगे और पांच फंदे जो जैसा है यानी कि इस साइड जो जैसा है उसको उसी कलर से ही बुनेंगे रॉन्ग साइड में चौथा नंबर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से तेरह फंदे मैंने बुन लिए हैं रेड कलर से और बैगनी कलर से बुने हैं पाँच फंदे, और यहाँ से एक गैप करेंगे, रेड कलर से एक फंदे बुन लेंगे और दो फंदे बैगनी कलर के, एक दो चौथा नंबर है ये, और जो रेड कलर के बचे उसको रेड कलर से ही बुन लेते हैं। आठ फंदे छूट गए, नीचे में बैक कर लेते हैं, राइट साइड टर्न करके इसको राइट साइड जो जैसा उसको उसी कलर से बुन ले। देखिए फ्रेंड्स ये पांचवा नंबर है, पांचवा फंदा में रेड कलर से ग्यारह फंदे बुनेंगे, ये ग्यारह फंदे रेड कलर के बुन लेते हैं फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स ये ग्यारह फंदे मैंने रेड कलर से बुन लिए हैं, ये देखिए अब यहाँ से तीन फंदे मैं येलो कलर से बुनूंगी, एक दो तीन। देखिए तीन फंदे येलो कलर से और पूरे के पूरे आठ फंदे बैगनी कलर से बुन लेते हैं, आठ फंदे बैगनी कलर से फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स आठ फंदे मैंने ये बैगनी कलर के बुन लिए, उसके बाद रेड कलर का जो फंदा छूटा था मैंने चार चार फंदा बुना है। देखिए एक दो तीन चार, चार फंदा और एक फंदा पहले से था, चार फंदा मैंने बुन लिया है और ये चार फंदा इस बार अभी अब बुनते बुनते आऊँगे तो चार फंदा फिर से बुन लूँगी। दो दो फंदा लेते थे मगर चार चार फंदा लेंगे क्योंकि नीचे को भी चौड़ाई में देना है फ्रेंड्स। अब राइट साइड टर्न करके राइट साइड को जो जैसा है उसको उसी कलर से ही बुनेंगे लास्ट तक। देखिए फ्रेंड्स छठवां लाइन में आ गए, अब नौ फंदे रेड कलर से बुनेंगे तो बुन लेते हैं फिर दिखाती हूँ आपको नौ फंदे। देखिए फ्रेंड नौ फंदा मैंने बुन लिया है, छठवां लाइन है ये। ये सात फंदे हम लोग येलो कलर से बुनेंगे तो बुन लेती हूँ सात फंदे येलो कलर से और बैगनी कलर से छह फंदे बुनने, ये बैगनी कलर से छह येलो कलर से सात। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो नीचे में छूटा है रेड कलर का फंदा चारों फंदों को बुन रही हूँ, यहाँ से भी गैप है उठा लेते हैं फंदे इसके साथ मिला के, रहने दीजिए। यहाँ से देखिए चारों फंदों को बुन लेते हैं, देखिए नीचे में चौड़ा होता जा रहा है, देखिए नीचे का भी एरिया चौड़ा होता जा रहा है। राइट साइड टर्न करके इसको राइट साइड में जो जैसा है उसको उसी कलर से बुन ले। देखिए फ्रेंड्स ये सातवां लाइन में आ गए, अब सातवां लाइन में आने के बाद आठ फंदा रेड कलर से बुनेंगे, ये वाला आठ फंदा बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स ये सातवां लाइन में मैंने आठ फंदे ये बुन लिए हैं, यहाँ से देखिए पाँच फंदे येलो कलर से बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच फंदे येलो कलर से बुन लिया। देखिए दो फंदे रेड कलर से बुनेंगे, एक दो, अब यहाँ से दो फंदे येलो कलर से, एक और दो। देखिए चार फंदे बैगनी कलर से, एक दो तीन और चार। देखिए चार फंदे बैगनी से और एक बैगनी बचा उसको रेड कलर से बना लेते हैं, उसको बाकियों को भी रेड कलर से कर लेंगे, नीचे में दो फंदा छोड़ लेंगे। ये देखिए नीचे में दो फंदा अभी नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा और चौड़ा करना है नीचे को, इस बार नहीं छोड़ेंगे, पलट लेते हैं। नीचे को भी बुन लिया है मैंने, राइट साइड टर्न करके राइट साइड को बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आठवां नंबर का रो है, आठवां नंबर लाइन में आ गए तो आठ फंदे हम लोग
रेड कलर से बनाएंगे, आठ आठ फंदे रेड कलर से और पांच फंदे हम लोग येलो कलर से, जो येलो कलर जितना है उतना सभी को बुन लेंगे। फिर दिखाती हूँ, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये रेड कलर के दो फंदे हैं उसको भी बुन लेते हैं, एक दो। इसके बाद एक फंदा बैगनी कलर से बुनेंगे, एक फंदा ब्लैक कलर से। देखिए अब दो फंदे येलो कलर से, एक दो, बाकियों को रेड कलर से ही। बुन लेते हैं पूरे नीचे तक, क्योंकि ऊपर चौड़ाई ज़्यादा हो रहा है तो बीच में सिकुड़न आ सकता है इससे, जैसे खरगोश वाला बना है तो उसी तरह नीचे को और चौड़ा कर लेते हैं, गोलाई हम लोग को बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, इससे मैं नीचे को भी बुनते जाऊंगी, बीच में छोड़ेंगे क्योंकि बीच में गोलाई चाहिए, ऊपर जैसे बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए। तो मैं नीचे को ये दो बार बुन लिया मैंने, पलट लेते हैं राइट साइड, जो जैसे उसको उसी कलर से। देखिए फ्रेंड्स, नौवा नंबर फंदे में हम लोग क्या किया है, ये चार फंदे रेड कलर से मैंने बुने हैं, तीन फंदे ब्लैक कलर से और पांच फंदे यहाँ मैंने येलो कलर से बुने हैं। एक फंदा ब्लैक, दो फंदा येलो, एक फंदा ब्लैक, दो फंदा येलो, एक फंदा ब्लैक, दो फंदा येलो, एक फंदा ब्लैक। और यहाँ जितने रेड कलर के फंदे थे उतना को बुन लिया मैंने, और नीचे में एक फंदा दो फंदा और बचे उसको भी बुन लेते हैं। थ्री टाइम्स हो गया फ्रेंड्स, मैं नीचे को बुन रही हूँ, एक भी नहीं छोड़ रही हूँ। देखिए तो नीचे ये चौड़ाई ले रहा है, देखिए चौड़े में आ रहा है नीचे वाला एरिया, राइट साइड को बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दसवां नंबर आ गया, दसवां नंबर में हम लोग ने क्या किया है, दो फंदे रेड कलर के बुने हैं, दो फंदे हम लोग ब्लैक कलर के, तीन फंदे रेड कलर के, और यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदे येलो कलर से बुने हैं, नौ फंदे, एक फंदा ब्लैक, एक फंदा येलो, एक फंदा ब्लैक, दो फंदा येलो, एक फंदा ब्लैक, एक फंदा येलो, नीचे से बुन लिया है। अब की बार हम लोग पूरा नीचे तक नहीं बुनेंगे, अब की बार दो फंदे छोड़ देंगे। थ्री टाइम्स उसको बुन चुके, छोड़ देते हैं राइट साइड, बैक करके राइट साइड को बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ग्यारह नंबर लाइन में क्या किया है हमने बता रहे हैं आपको, ये दो फंदा रेड कलर से, दो फंदा ब्लैक कलर से बुना है, जो ब्लैक कलर के फंदे थे उसको ब्लैक कलर से ही बुन लिया है, तीन फंदे रेड कलर से, यहाँ नौ फंदे हम लोग ने येलो कलर से बुना है। फिर उसके बाद एक फंदा ब्लैक, येलो, ब्लैक, येलो, दो येलो, एक ब्लैक, एक येलो, एक ब्लैक, नीचे में ग्यारह नंबर की लाइन है ये। और यहाँ से दो फंदा पहले एक छूटा था, दो फंदा छोड़ दिए, राइट साइड को बुन लेते हैं, जो जैसा उसको उसी कलर से ही। देखिए फ्रेंड्स, बारवा लाइन में, बारवा लाइन में सात फंदे हम लोगों ने रेड कलर से बुने हैं और नौ फंदे येलो कलर से, एक फंदा ब्लैक, एक फंदा येलो, एक फंदा ब्लैक, दो फंदा येलो, एक फंदा ब्लैक, दो फंदा, एक फंदा येलो। यहाँ से ब्लैक कलर, रेड कलर के दो फंदे हम लोग ने छोड़े थे उसको भी हम लोग ने बुन लिया है। देखिए यहाँ से ब्लैक कलर का एक फंदा था उसको भी हम लोगों ने रेड कलर से कर लिया है, राइट साइड को बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तेरहवा नंबर लाइन में, तेरहवा नंबर लाइन में हम लोग दो फंदे ये रेड कलर से बुन लिए हैं और पांच फंदे ब्लैक कलर से, और यहाँ से पांच फंदे येलो कलर से, एक फंदा रेड, नहीं, एक फंदा ब्लैक, दो फंदा येलो, एक फंदा ब्लैक, दो फंदा येलो, एक फंदा ब्लैक, दो फंदा येलो, फिर एक फंदा लास्ट में ब्लैक। और यहाँ से रेड कलर के फंदे को बुन लिया है और ये दो फंदे नीचे में छूटे उसको भी यहाँ से बुन के ले लेते हैं। देखिए काफ़ी चौड़ा हो गया नीचे में, राइट साइड बैक करके राइट साइड को बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चौदहवा नंबर लाइन में दो फंदे हम लोग ने रेड कलर के डाले हैं, दो फंदे ब्लैक कलर के, चार फंदे रेड कलर के, यहाँ से पांच फंदे हम लोग ने येलो कलर के डाले हैं, दो फंदे रेड कलर के, दो फंदे येलो, और एक फंदा बैगनी कलर से डाले हैं, और एक फंदा ब्लैक कलर से, और दो फंदे येलो कलर से, और फिर बाकी को हम लोग ने, देखिए एक ब्लैक कलर का फंदा बचा था उसको मैंने ये रेड कलर से बना दिया, बाकी को रेड कलर से बुन लेते हैं, और नीचे में जो फंदा अभी नहीं छोड़ेंगे रेड कलर से नीचे तक बुन लेते हैं, क्योंकि बीच में सिकुड़न आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये कुछ इस तरह से सिकुड़न आ जाता है, तो अब देखिए नीचे में फैलाव आ रहा है तो सिकुड़न नहीं आ रहा है, देखिए नीचे में फैलाव आ रहा है, तो बस यहाँ का होल ज़्यादा दिखेगा, उसके लिए आप इसी कलर से छोटा सा सर्कल बना लीजिएगा और इसमें सिल लीजिएगा, राइट साइड को बुन लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, 15वां नंबर के फंदे में हम लोग ने ये देखिए 8 फंदे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे मैंने रेड कलर से बुन लिए हैं, 5 फंदे येलो कलर से, 2 फंदा यहाँ रेड कलर से, 2 फंदा येलो कलर से, 4 फंदा बैगनी कलर से और फिर बाकी को रेड कलर से पूरा लास्ट तक मैंने बुन लिया है। राइट साइड बैक करके राइट साइड को बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 16 नंबर फंदा है, 16 नंबर लाइन है, 16 नंबर लाइन में हम लोग 9 फंदे ये रेड कलर से मैंने बुना है, यहाँ से 7 फंदे मैंने येलो कलर से, 6 फंदे बैगनी कलर से बुने हैं और जितने रेड कलर के फंदे थे सभी को बुन लिया है, बस 2 फंदा नीचे में छोड़ रखा है। देखिए यहीं से बैक कर लेते हैं, राइट साइड को बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 17 नंबर लाइन में, 17 नंबर लाइन में 11 फंदे मैंने रेड कलर से बुने हैं, यहाँ 4 फंदे मैंने येलो कलर से बुने हैं और 7 फंदे मैंने ये बैगनी कलर से बुने हैं और बाकी को रेड कलर से बुन लिया है, नीचे में 4 फंदे छोटे रखे हैं। राइट साइड बैक करके राइट साइड को बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 18 नंबर लाइन में हम लोग ने 13 फंदे रेड कलर से बुने हैं, 5 फंदे यहाँ बैगनी कलर से, फिर एक रेड फंदा, फिर उसके बाद 2 फंदे बैगनी कलर से, फिर बाकी को रेड फंदा, 6 फंदे नीचे में छोड़ दी हूँ, राइट साइड को बुन लेते। देखिए फ्रेंड्स, 19वां नंबर लाइन में 13 फंदे मैंने रेड कलर से बुने हैं, 5 फंदे बैगनी कलर से और बाकी को रेड फंदों से बुन लिया है और यहाँ 8 फंदे मैंने छोड़ रखे हैं, राइट साइड को बुन लेते हैं टर्न कर। देखिए फ्रेंड्स, ये 20वां लाइन में मैंने ये 14 फंदे पूरा रेड कलर से बुने हैं और यहाँ 4 फंदे मैंने बैगनी कलर से बुने हैं और 10 फंदे नीचे में छोड़ रखे हैं, यहीं से बैक कर लेते हैं, राइट साइड को बुन। देखिए फ्रेंड्स, 21वां नंबर लाइन में 14 फंदे मैंने रेड कलर से बुने हैं, यहाँ 3 फंदे बैगनी कलर के बुने हैं, बाकी सबको मैंने रेड कलर से बुन लिया है, नीचे से 4 फंदा मैंने बैगनी कलर रेड कलर से ले लिया है, राइट साइड को बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में एक रो पूरा मैं रेड कलर से मैं निकाल रही हूँ, पूरा एक लाइन पूरा नीचे तक बुन लूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये देखिए बटरफ्लाई बन के रेडी हो चुका। तो मेरा ये बटरफ्लाई वाला डोरमेट, सॉरी बटरफ्लाई बोलती हूँ फ्रेंड्स, बी मधुमक्खी वाला मेरा ये डोरमेट आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए पसंद आ रहा है तो। थैंक यू फ्रेंड्स।